तो रेजर पहले तो काम को समझ लो, इससे ज्यादा आसान काम आपने ना कभी पहले देखा होगा ना पहले कभी सुना होगा। काम क्या है? यहां पर आपका काम है, आपको अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी रिलेटिव या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ बातें करनी है। जी हाँ, वो तो आप वैसे भी करते हैं, जब आप घर पे होते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स से बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं आप उनसे बातें करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ बातें करनी है और उन बातों का यहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा या कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में बताऊंगा, वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो यार। मैं आपके सामने जिस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है और गवर्नमेंट खुद से ये काम लेके आई है, जहां पर आपको सिर्फ एक दूसरे से बातें करनी है, उसको रिकॉर्ड करना है और सेंड कर देना है, उसका पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो अमाउंट मिलने वाला है, ध्यान से सुनना है, यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो एक घंटे के 900 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ एक घंटे के काम में आप 900 रुपए कमा सकते हो। या तो सोच के देखो कि अगर आप 4 घंटे भी कर रहे हो तो 3 से 3,500 रुपए आप कमा लोगे। तो आपको ये मौका मिस नहीं करना है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद फिर कभी आए या ना आए, लेकिन आज है तो आपको इसको ग्रैब कर लेना है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, यानी कि जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे जो ये काम है ये बहुत लोग कर चुके हैं, लोग पैसा भी कमा रहे हैं। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, या फिर बहुत कम ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको डिटेल्स में बताते हैं। आपको सिर्फ ये तो बता देते हैं कि ये एप्लीकेशन है, जाकर इस फॉर्म को भर दो और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर लो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आगे कैसे करना है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या चीज भरनी है, जिससे कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन जल्दी हो जाए। सारा काम आपको घर बैठे बैठे करना है, और सबसे जो खास बात है कि ये सारी जो कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो बातचीत आप करोगे, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी चाहे लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, कुछ भी हो, उन सारी लैंग्वेज में आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो कोई भी बाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज की, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, 14 साल से लेके 74 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, फिर चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो मौका हाथ से नहीं जाने देना है यार, बार बार बोल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कैसे यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सबसे मेन है यहाँ पे आपका अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो आपका मेन है वो है, यहाँ पर आपको वो सबमिट करनी है अपनी स्पीच रिकॉर्डिंग। कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा अभी, तो वीडियो के साथ बने रहना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। अब बिना टाइम को वेस्ट के मैं सीधे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, समझाता हूँ पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि अब आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, देखो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये जो जॉब है, इससे पहले आपने देखी होगी, लेकिन किसी ने आपको इस डिटेल्स में नहीं बताया होगा, जिस डिटेल्स में मैं यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ। सिंपल सा है, वीडियो को पूरा देखोगे तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले वाली जो लिखी हुई है स्पीच रिकॉर्डिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया, ये यहाँ पर इनका जो है एक कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट की भारतीय विज्ञान संस्थान है ये, जो अपनी जॉब के लिए आपके लिए यहाँ पर आवेदन लेके आई है, यानी कि आपके लिए ये एप्लीकेशन लेके आई है। यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है, स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलैक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका जो जॉब का नाम है स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलेक्ट, यानी कि आपकी अपनी भाषा में यहाँ पर आपको एक स्पीच रिकॉर्डिंग करनी है, जो यहाँ पे आपको वर्क मिलने वाला है। इसके लिए स्किल्स की क्या जरूरत है, पहले वो आपको ध्यान रख लेना है। शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, क्लियरली कहा गया है कि आपको जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, लोकल का मतलब कोई भी लोकल लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, वो आपको समझनी आनी चाहिए और पढ़नी यानी कि बोलनी आनी चाहिए।
साथ ही साथ अगर आपके पास उस नेटिव लैंग्वेज की कोई डिग्री है तो वो एक प्लस पॉइंट होगा, मैंडेटरी नहीं है। अब मान लीजिए आपको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है और आपने ट्वेल्थ की हुई है हिंदी के साथ, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मस्ट हैव एंड्रॉयड स्मार्टफोन, जो सबसे मेन है वो है कि यहाँ पर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करूँ तो देखिए लिखा हुआ है दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हो आप इस काम को कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप 12th प्लस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट और उससे ऊपर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम एक तरह से अगर क्वालिफिकेशन में बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट है तो 12वीं प्लस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है यहाँ पर ये पॉइंट कि यहाँ पर आपको पैसा कितना मिलेगा, हर 60 मिनट के यानी कि हर एक घंटे के यहाँ पे आपको 900 रुपये मिल रहे हैं। गाइस इतना बड़ा अमाउंट कोई भी जेन्युइन वेबसाइट आपको नहीं देती है, बट ये दे रही है क्योंकि ये 100% ऑथेंटिक है। और बिलीव मी गाइस बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं, आपको कैसे करना है पहले वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है कि यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, अब देखिए टॉपिक्स भी यहाँ पर आपको वेबसाइट की तरफ से दिए जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उस टॉपिक्स पर आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है अपनी वॉइस में, यानी कि अपनी वॉइस में बोलना है बस। अब वो कोई सी भी लैंग्वेज मैंने बोला ना, चाहे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आप बोल सकते हैं। लिखा हुआ है कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या करना है, यू हैव टू देन कन्वर्ट टॉक टू पीपल, आपको जो टॉपिक आपको दिया गया है उसमें आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो आपकी लोकल लैंग्वेज में। तो ये वो तरीका है जिससे कि यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। तो यार बहुत इजी ये वर्क होने वाला है, कोई ऐसा वर्क नहीं जिसको आप नहीं कर पाएंगे। अब ऊपर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर मांग रहा है आपका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। और अगर आपको इस जॉब के बारे में ज़्यादा जानना है तो देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे वापस आना है, अपना ईमेल एड्रेस डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आ गया है सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस क्या है, उसके साथ साथ आपके मूल स्थान, जिले का नाम जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का जिला, पिन कोड आपके प्लेस का, पिन कोड अगर आपको नहीं पता तो पिन कोड पोस्टल कोड एक ही होता है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपना एरिया लिखे जहाँ पे आप रहते हैं, 6 डिजिट का होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ कि कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं उसका आंसर आपको लिखना है, फिर पूछेगा कि आपका वर्तमान स्थान, जिले का नाम वो लिख देना है, पिन कोड, उसके बाद कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, फिर आपसे पूछेगा कि आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे, डेजिग्नेशन, क्या पद आपका है, तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है संगठन कौन सा है, तो आप NA कर दीजिए, यहाँ पर भी आप NA कर सकते हैं, ऐसे NA लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप NA लिख सकते हैं क्योंकि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आपको अपने जो बायोडाटा है उसका लिंक डाल देना है, देखो मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर पूछ रहा है तो पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, इस कार्य के लिए आपके अनुसार कौन सी बातें सबसे उपयुक्त आपको बनाती हैं, यानी कि आपको क्यों लगता है कि आप इस काम के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप लिख सकते हैं कि आपको जो है लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से आप काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं लोगों से, अलग अलग टॉपिक्स पर आप बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है किस लैंग्वेज में आपको जो है काम करना है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, अब ये पूछ रहा है कि इस कार्य के लिए अगर आप चयनित हो जाते हैं तो अपने ज़िले का नाम लिखें जहाँ पर आप कार्य को अंजाम देंगे, तो यहाँ पर आप अपना जिस जिले में रहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे मैं दिल्ली में तो दिल्ली डाल दूंगा। उसके बाद है कि यदि आप इस नौकरी चुन जाते तो आप कौन सा पिन कोड पर कार्य करेंगे, तो वही पिन कोड जो मैंने बताया कि वो पिन कोड आपको डाल देना है। उसके बाद यस एग्री पे क्लिक करना है, और अगर कोई कमेंट है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, उसको ब्लैंक छोड़ देना है।
तो एक बार ये पूरा फॉर्म भरकर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया है रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग और थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, वी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड टू कम्प्लीट द पायलट टास्क। अब ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पायलट टास्क आपको मिल रहा है इस लिंक पर, जो कि आपको पहले करना है। अब यही आपको ध्यान रखना है किस तरीके से यहाँ पे आपको इसको करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है। अब एक और देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पायलट सबमिशन फॉर रिकॉर्डिंग इन योर लोकल लैंग्वेज। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे एक पायलट सबमिशन रिकॉर्ड करना है। आपको यहाँ पे 5 से लेकर 10 मिनट का कन्वर्सेशन करना है, यानी कि बातचीत करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी लोकल पर्सन के साथ, जो भी आपके घर पे कोई हो उससे आप बात कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में। 5 से 10 मिनट कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये एक नेचुरल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आप कहीं लिख रहे हो उसमें से देख देख के बोल रहे हो, तो वो नहीं होगा। जैसे हम आपस में बातें करते हैं फ्रेंड्स सर्कल में या फिर फैमिली में, उसी तरीके से आप बात करनी है और इसको जो है आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे अगर देखें मैं बात करूँ गाइडलाइन की, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आपको गाइडलाइन पे क्लिक करना है। जब आप गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस आपके सामने आ गई है। देख रहे हो कि किस तरीके से के क्या क्या यहाँ पे आपको करना है। सैंपल टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो सैंपल टॉपिक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैंपल टॉपिक्स आपको दिख जाएंगे। देखिए सैंपल टॉपिक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो सैंपल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि लिक्विड मैन्यूअर है, उसके साथ साथ नीचे मार्केट प्लेस है, कैटल है, टू डाल्स है, लैंड यूज है, फॉर्म वाटर है, मैन्यूअर है, माइक्रो है और लाइव स्टॉक टाइप्स हैं, ट्यूबर क्रॉस हैं, लाइवर स्टॉक्स हैं, ब्रोकन बीट हैं। तो ये चीज़ है जिनके ऊपर कि आप बात कर सकते हो। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, देखिए पेपाल हो गया, फाइनेंस हो गया, चेक के ऊपर आप बात कर सकते हैं। आप देखिए चेक तो आपको पता है चेक क्या होते हैं, बैंक के अंदर जो चेक होते हैं, ये देखिए चेक, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं चेक क्या होता है, कैसे उसको बैंक में यूज़ किया जाता है, कौन चेक देता है, कौन चेक रिसीव करता है। तो इन टॉपिक के ऊपर आप 5 से 10 मिनट बोल सकते हैं अपने दोस्त के साथ, कोई इशू नहीं है, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लो, उसके बारे में बात कर लो। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप 5 से 10 मिनट बात आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ बिंदु आप तैयार कर लो कि किन किन बिंदु के ऊपर आपको बोलना है। तो स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, बिंदु आप लिख लो, उस बिंदु के ऊपर आप बातें कर लो आपस में। बिफोर यू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आस्क द टारगेट पर्सन टॉक इन हिज रीजनल स्टाइल, जैसे कि जो भी उनकी स्टाइल है जिससे आप बात करते हैं वैसे ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको जो है दोनों को एक ही लैंग्वेज में बात करनी है, अगर हिंदी में बात करो दोनों को हिंदी में ही बात करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द टारगेट पर्सन कैन बी एनी जेंडर, यानी कि कोई भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, 14 से लेकर 75 साल तक का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एवरेज मंथली इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स आर नॉट अलाउड। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप किसी से फ़ोन में बात करके उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। आपको यहाँ पर फ़ोन को बीच में रखकर उसके आमने सामने बैठकर बात करनी है ताकि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो सकें, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल द ACR वॉइस रिकॉर्डर, आपको ACR वॉइस रिकॉर्डर इंस्टॉल कर लेना है अपने ऐप में और फिर आपको यहाँ पर जो है उसमें रिकॉर्ड करना है। दिखाया गया, देखो ये रहा वो ASR वॉइस रिकॉर्डर होगा इस तरह का, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। सारी चीज़ें दी गई हैं, फिर सेटिंग में जाना है, रिकॉर्डिंग पर जाना है। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद WAV सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है और इन तीनों को ऐसे रखना है। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और देखिए यहाँ पे पता है किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पे जो आपको मोबाइल फ़ोन है वो बीच में रखना है। देखिए दोनों हैं बीच में मोबाइल फ़ोन है, इसे देखिए दोनों हैं बीच में मोबाइल फ़ोन है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मोबाइल को रख देना है और फिर आपस में बातें करनी है। यहाँ पर लिखा है 1.5 से 2 फीट की इक्वल दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में। फिर यहाँ पे जब आप ये कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर जो 7 पॉइंट है वो है स्टेप्स इन्वॉल्व का। यहाँ पे देखिए आपको नेम एंड टैक्स पे जाना है। अब यहाँ पर जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको आपको सेव करना है नेम और टैक्स में जाके, ये ध्यान रखना है। नीचे आ जाएंगे, अब देखिए सारी चीज़ें हिंदी में लिखी गई हैं, इसमें आपको कोई भी ऐसी आपत्तिजनक या गैरकानूनी सामग्री इंक्लूड नहीं करनी है। किसी का पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड या फिर जो भी पर्सनल या प्रोफेशनल डिटेल्स होती हैं वो आपको इसमें सेव नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यदि यह ऑनलाइन सामग्री के लिए कॉपी के बाकी के लिए किताब प्रकार की बातचीत है, मुद्रित किताबें हैं या कॉपीराइट स्रोत है, तो आपका
रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको गाइडलाइंस में दी गई हैं, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लेना ताकि आप कोई गलती ना करें। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आपको आपका आपका नाम डालना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आपकी कौन सी लैंग्वेज में आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की है वो डालना है, फिर यहाँ पे उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं एक बार भर के आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब आगे है पिन कोड डालना है पहले स्पीकर का और पिन कोड डालना है दूसरे स्पीकर का, दोनों का पिन कोड डालना है। मैं यहाँ पे कुछ भी पिन कोड डाल देता हूँ, मैंने पिन कोड डाल दिया है, सेम है तो सेम डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आ गया है ऑडियो फाइल। अब यहाँ पे उस जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करी होगी वो ऑडियो फाइल यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। बातचीत का विषय क्या था वो यहाँ पे आपको डाल लेना है कि एग्रीकल्चर पे कराया आपने, फिनेंस पे बुक किया है, बुक पे किया है, एजुकेशन पे किया है, वेदर पे किया है, आर्ट्स पे किया है, जिस पे भी किया है वो यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद यस आई एग्री पे क्लिक कर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, दैट्स इट। अब आपने वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा, देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बहुत क्लियर बताई किस तरीके से आपने करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस अभी आपने देखा यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल से बता सकूं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी भी हो गई होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे, आप आसानी से इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपने वीडियो को स्किप करा है तो दोबारा से देख लो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब की वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.